पहला सवाल बोले जांच कराएंगे, कराने के लिए आ गए, हम सो गए थे इसलिए। दिए गए माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण के साइन से आपतन कोण के साइन से आपतन कोण के साइन से अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात, अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत है। नियत है, इस नियम को डैश करते हैं, इस नियम को डैश करते हैं, सीधे आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बोलो दिए गए माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण के साइन से अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत है, इस नियम को डैश करते हैं। जब हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे तो हमने कहा था आपतन कोण के जया अपवर्तन कोण के जया के बराबर होता है, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर, स्नेल का नियम है। ये आंसर क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम। साइन आर बटे साइन आर यानी आपतन कोण के जया परावर्तन कोण के जया का अनुपात निश्चित होता है, ठीक है। क्या कर रहा है इधर, स्नेल्स लॉ, वेरी गुड। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक अधिक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हीरा 2.4 को इसका अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन, एक गोलाकार लेंस से वृत्ताकार प्रारूप का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। वृत्ताकार लेंस एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार प्रारूप का प्रभावी व्यास, वृत्ताकार प्रारूप के प्रभावी व्यास, प्रभावी व्यास डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, कहता है कि एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार प्रभावी व्यास को क्या कहलाता है। जो आपका लेंस है, इसका ये जो व्यास है, इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। लेंस में एपर्चर पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जहां से लाइट प्रवेश करती है तो इसको एपर्चर बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, छिद्र, जहां से प्रकाश गुजरती है, अंग्रेजी में एपर्चर बोलते हैं, है ना। चलो छापो, निकालने के लिए आए हैं, एपर्चर बोलता है कि नहीं बोलता है? यहाँ से लाइट गुजर रहा होता है, इधर से लाइट गुजरता है ना, ये एपर्चर है। बता दो छाप लिए। अगला 4 नंबर, समतल दर्पण की फोकस लंबाई। समतल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। अरे दर्पण ऐसे रहेगा तब तो फोकस निकलेगा। देखो फोकस निकलता कैसे? ऐसे मान लो कोई बोला है, इसको यहाँ से काट दिए हम लोग, है ना, तो वृत्त का जो केंद्र है वो क्या निकलता है? सी, और उसका आधा होता है एफ। लेकिन जब दर्पण में समतल हो तो क्या होगा? अनंत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ, कहीं मुड़ा ही नहीं है, फ्लैट है सतह। समतल दर्पण ऐसे होता है सीधे, तो उसका कहीं त्रिज्या होगा, केंद्र होगा? नहीं होगा, तो अनंत हो जाएगा उसका, है ना। इसीलिए समतल दर्पण को अगर आपस में समानांतर रखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। समझ आ गया? 5 नंबर, लेंस की शक्ति की इकाई। लेंस की शक्ति का इकाई, लेंस की शक्ति की इकाई है, क्या है? अरे मैं चश्मा पाना, मेरे लेंस की शक्ति का है, मेरा 5 डायोप्टर का लेंस है, क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डायोप्टर होता है ना, नहीं होता है, डायोप्टर होता है। अब बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा है। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है, ठीक है। किसी भी विद्युत का क्षमता, विद्युत की क्षमता किसे मापते हैं? विद्युत यंत्र की क्षमता, वाट, इतना वाट का बल्ब है, नहीं बोलते हैं। किसी भी मशीन का क्षमता एचपी में, हॉर्स पावर में मापते हैं। मशीन को हॉर्स पावर बोलते हैं। ये 5 HP का मशीन है, 100 HP का मशीन है, 10 HP का मशीन है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, हमेशा बनाया गया प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा डैश होता है। कैसा होता है? जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? तो याद रखना, जब भी आभासी बनता है तो वो सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा। अवतल दर्पण में कैसा बनता है? अवतल दर्पण में काल्पनिक और उल्टा या आभासी कैसा बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक कंडीशन को छोड़कर अवतल दर्पण में कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। आभासी और काल्पनिक एक ही चीज है, ठीक है ना। आभासी और काल्पनिक एक ही चीज है। जब भी काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, वो सीधा बनेगा। और ये किसमें बनता है? समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। 2 कंडीशन उत्तल दर्पण का आप लोग को बताए होंगे, है ना। चलो 7वें नंबर के सवाल पे आगे बढ़ते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो एक गोलाकार दर्पण के दर्पण के पारगम्यता केंद्र और लंब से गुजरती है। गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और लंब से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं उसको दिख रहा है। चलो यहाँ भी लिख देंगे तो दिख जाएगा। यानी आपका ये कोई गोलीय दर्पण है ना। गोलीय दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका वक्रता केंद्र हुआ, ये सी यहीं पे लंब लगाया है तो ये हो गया, ये यही लाइन जो आगे गुजर जाएगी इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुक्त अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सवाल लाइन पूछा है वो काल्पनिक रेखा जो एक गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और लंब से होकर गुजरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी हिंदी में क्या होगा उसको? मुख्य दूरी या मुख्य फोकस, जो भी कहा मुख्य फोकस नहीं, इसको मुख्य दूरी बोलते हैं। एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस PRINCIPAL प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य दूरी। प्रिंसिपल एक्सिस मेरा चश्मे का कहता है ना 110 डिग्री एक्सिस पर है, 110 डिग्री एक्सिस 110 है ना। यानी मुख्य दूरी का डिग्री कितना बना है मेरा? 110। ठीक है, हो गया। नीचे वाला लाइन रख देते हैं, ऊपर हटा देते हैं। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य धुरी के समानांतर एक किरण, मुख्य धुरी के समांतर एक किरण परिवर्तन के बाद Z से गुजरती है। परिवर्तन के बाद डैश से गुजरती है। किससे गुजरती है? बताओ किससे गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस से गुजरती है। बताओ क्यों? हमने जब भी आप लोगों को ऐसा दर्पण पढ़ाया है, हमने ये मुख्य अक्ष बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस बताते हैं इसको। और जब भी यहाँ पे कोई चीज होता है, यहाँ पे एक किरण ऐसे जाता है कि नहीं जाता है, बताओ है। यहाँ हो गया मान लो सी, यहाँ हो गया एफ, और जब भी ये लौटता है तो कहां से लौटता है? एफ से होकर लौटता है। तो वही का चीज कह रहा है कि मुख्य धुरी के समानांतर एक किरण परिवर्तन के बाद डैश से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इतना समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 90% बात। देखो एकदम शॉर्ट में समझाते हैं, 9 नंबर सवाल को कहता है एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। एक वस्तु कहां पे रखा जाता है? लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, लिखना पड़ेगा। एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ठीक है। एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब का आकार, एक उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार है। बताओ कैसा है? अरे मैंने उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन बताया था, है ना? अगर वस्तु अनंत पर हो, बताओ क्या होता है? ये उत्तल दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ, वस्तु अनंत में है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग रेखा खींचते थे, इधर से जाता था और ये इधर से क्या होता था? इधर मुड़ जाता था। अरे इधर मुड़ता था, ये इधर मुड़ जाता था, होता था ना। और ये डॉट 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 करके मिलता था, याद आ रहा है? जो दोनों में कटता था ये फोकस पर बनता था। बनता था कि नहीं बनता था? यही पत्ती भी जब दोनों एक ही जगह पे क्रॉस कर रहा है, इस जगह पे, तो किस आकार का बन रहा है? बिंदु के आकार का। अंतर क्या हो जाएगा? बिंदु के आकार हो जाएगा, बिंदु के आकार। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना आंसर कैसे हुआ है? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? जो क्वेश्चन आ रहा है पढ़ाए ना, इंटरव्यू देना सर पढ़ाए, ठीक है। आजकल के बच्चे सबसे खतरनाक होता है, लास्ट में जब नहीं हो तो सर के नाम पे, अरे सर के नाम पे जला देना है। पता ही नहीं, बात खत्म हो गया। लेकिन हमको आप लोग बोल नहीं सकते, पता ही नहीं, तो रिकॉर्डिंग खुल कर जाती है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? ठीक, मेरे पर तो रहता है सारा, कोई ऑप्शन नहीं। 10 नंबर सवाल, बताओ क्या हो जाएगा? दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर, डेंटिस्ट। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। नाक कान गला अवतल दर्पण। खत्म हो गया ना, पढ़ा दिया 4 दिन पहले पढ़ाया था ना। 11 नंबर विभवांतर कसय मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज, है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वोल्टेज से वोल्टेज मापा जाएगा, तो एसआई मात्रक वोल्ट नहीं होगा, है? समझ आया? क्या हुआ? किस किस में कंफ्यूजन हो रहा है? क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, सेट कोड अलग है, लेकिन क्वेश्चन एक ही। मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो 12 नंबर, यदि धात्विक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, यदि धात्विक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, जब धात्विक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का प्रतिरोध डैश होगा। क्या होगा? अरे जब चीजें डबल हो गया तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो दोगुना आंसर होगा इसका, ठीक है? तार की लंबाई डबल तो प्रतिरोध भी डबल। एक कूलम आवेश होता है, कितना होता है बताओ? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? बताइए देना। 1.6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 14 नंबर, इस क्वेश्चन को कितनी बार नाम सॉल्व कराए? R1 तथा R2 समांतर संयोजन, दो प्रतिरोध का समांतर संयोजन करने पर समतुल्य यानी RP है ना, समतुल्य प्रतिरोध होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, यही होता है। अब बोलो इसको सॉल्व भी करना होगा, तुरंत कर देते हैं। चलो समांतर क्रम में आरपी बराबर 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। तो ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है ना? तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 का एलसीएम होने के तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, R1 कट गया, R2 प्लस R2, R2 कट गया R1, तो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2, ये क्या है? 1/RP बराबर, तो जब 1/RP है इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? RP इक्वल टू, ये उलट जाएगा, R1 इंटू R2 बटे, अरे 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 बराबर है ना, होता है। लिखेंगे R1 प्लस R2 है, प्रूफ हो गया। अरे हमको क्वेश्चन दो, 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। 150 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, मुश्किल से 20 मिनट, आधा घंटा में मिलेगा 1.5 घंटा। लंबा पे हो दिमाग ना, सदमा स्पीड चल रहा है, गरमा रहा है दिमाग। अरे गरमा है दिमाग गरमा है। आप लोग ने इतना लिखवाई इसलिए आप नहीं भर के लाए हैं। बेटा दे तब तक इधर छापो, हम इधर पिटाते हैं। चलो 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर का सवाल, ऊष्मा के जूल का नियम बताओ। ये नहीं पता डंडा मारेंगे। ऊष्मा के जूल का नियम है बताओ। H बराबर I स्क्वायर RT। R स्मॉल की कैपिटल, R बड़ा वाला और T छोटा वाला। चलो 16 नेत्र का रेटिना एक डैश है। नेत्र का रेटिना एक डैश है। देखो तुम्हारे आंख में जो छवि बनता है ना, वो कहां पे बनता है? रेटिना में बनता है। तो नेत्र का रेटिना डैश है, तो ये हो जाएगा एक प्रकाश संवेदी झिल्ली है या पटल है। अब परवल नहीं समझ लेना, ठीक है ना। प्रकाश संवेदी पटल है, यानी एक स्क्रीन है। क्या है? पटल यानी स्क्रीन। पटल यानी स्क्रीन। ये मेरे लिए बोर्ड है ना, तो ये स्क्रीन है मेरे लिए, है ना। तो प्रकाश संवेदी पटल, जहाँ पे प्रकाश पड़ता है और वहां पे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश संवेदी पटल। आपके आंख में किसका दान करते हैं आप लोग? कॉर्निया का। और बनता प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना में, ठीक है। कॉर्निया ऊपर का भाग, रेटिना अंदर का भाग। समझ में आ गया? चलो आगे का सवाल। 16 के बाद 17। देखो अलग अलग दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अलग अलग दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसके कारण, इसके कारण। उसने लंबा चौड़ा लिखा है, मैंने छोटा कर दिया, ठीक है ना। कहता है कि अलग अलग दूरी के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किसके कारण। एक्चुअली क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करते हुए मानव नेत्र विभिन्न दूरी की वस्तु पर फोकस कर सकता है, यह डैश के कारण। हमने छोटा कर दिया इसको कि अलग अलग दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किसके कारण? तो समायोजन के कारण, एडजस्टमेंट के कारण, ठीक है ना। किसके कारण? एकोमोडेशन। किसके कारण? समायोजन। समायोजन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। आपका जो लेंस है ना, वो जब दूर देखना रहेगा मोटा हो जाएगा, नजदीक देखना रहेगा मोटा हो जाएगा, दूर देखना का पतला हो जाएगा। इस तरह से आंख अपने आप को एडजस्ट करता है। पक्षाभी पेशी होता है ना आंख में, नेत्र लेंस को एडजस्ट करता है ना। और जिससे नेत्र लेंस में एडजस्टमेंट खराब हो जाता है उसको चश्मा लग जाता है, सीधा बात, ठीक है। 18 नंबर तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? गैस के कारण। तो हवा का, हवा में धुलकन है, गैस है, तो हवा का लेयर बदलता है। तो अगर धुलकन का और गैस का लेयर बदलेगा तो अपवर्तनांक बदलेगा। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश का अववर्तन हम लोग पढ़ा चुके थे आप लोगों को। जब सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बताए थे ना, है बता चुके थे। जब भी कोई वस्तु या कोई प्रकाश विरल माध्यम से, हवा विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, हवा से पानी की ओर घुसेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इसलिए देखिएगा टेढ़ा दिखता है। पानी में छड़ डुबा देगा टेढ़ा दिखेगा, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। समझ में आ गया? विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर आएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। समझ में आ गया? पोलैरिटी विलयन में प्रकाश का परिणाम, पोलैरिटी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। इसके कारण पोलैरिटी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। पढ़ाए हैं जी, पढ़ाए हैं, कल परसों पढ़ाए, टिंडल है नहीं पढ़ाए थे? टिंडल प्रभाव, पोलैरिटी विलयन में टिंडल प्रभाव पढ़ाए थे ना, तो टिंडल प्रभाव, टिंडल और टिंडल प्रभाव क्या हुआ? आपको जल्दी से हो बोलता है दादा जैसी इसी साइड खुलछेना। अरे खुलछेना तो क्या करेगा? कोई उपाय नहीं है। जब खुलता है तब खोल नहीं रहे हो, है ना? रात में खोलो 2 बजे, कैसे डाउनलोड नहीं होगा? एक साथ डाउनलोड हो जाएगा। आप मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक है, हम एक बिहार का फॉर्म डाल रहे थे, ठीक है? तो रात के 11 बजे से फॉर्म भरने के लिए बैठे, साइट इतना स्लो है, सुबह का 7 बज गया, 11 बजे से आदमी 8 घंटा लगातार कोशिश किए तब भी फॉर्म नहीं भरा। कर पाओगे मेहनत? 11 बजे से 7 बजे तक सुबह, यानी 8 घंटा, आधा घंटा में क्या पे नहीं खुल रहा है? चलो नंबर 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा है। 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है? तो जानिए 1 कूलम पर सेकेंड, आंसर ही होता है ना? है? जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड खर्चा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन में लिखा होगा 1 कूलम बटे 1, इसका मतलब ही यही हुआ, ठीक है ना? 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं कूलम पर सेकेंड। 1 नहीं लिखोगे तब भी हो गया, 1 का कुछ नहीं है, मतलब 1 है कूलम पर सेकेंड, ठीक है? सिंपल लिख सकता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है ना? विद्युत धारा बराबर एम्पियर वर्ग होता है कूलम पर सेकेंड। लघु परिपतन के समय लघु परिपतन के समय विद्युत लघु परिपतन के समय परिपथ में विद्युत क्या होता है देखो बताते हैं। लघु परिपतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। लघु परिपतन मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। आप एक बात बताइए, आपको यहां से जाना है, एसपी कॉलेज, ठीक है? एसपी कॉलेज आपको यहां से जाना कहां पे है? आप जा रहे हो इधर से, पहले यहाँ से पोखरा चौक, पोखरा चौक से रसीदपुर, सोनवाड़ा, ठीक है? ठीक है ना। अब मान यहाँ पे एक बांध लगा हुआ था, ठीक है, बैरियर, ये टूट गया, शॉर्ट सर्किट कर गया, तो क्या करोगे? इधर से भागोगे, सर यहाँ से निकलोगे सीधे, नजदीक पड़ रहा है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा बहुत तेजी से, यानी भार बहुत बढ़ जाता है, लोड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना, भारी मात्रा में बढ़ता है। क्या बढ़ता है? भारी मात्रा में, तो भारी रूप में बढ़ता है। विद्युत परिपथ में विद्युत क्या होता है? भारी रूप में बढ़ता है। इसलिए बोलता है अर्थिंग लगा के रखो शॉर्ट सर्किट के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत अर्थ में चला जाए, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? फ्यूज। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्ट से बचने के लिए अर्थिंग का यूज करते हैं, करता है ना। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करता है फ्यूज का यूज करता है ना। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्यूज। और एक चीज लगाते हैं हम लोग, एमसीबी लगाते हैं, मिनी सर्किट ब्रेकर लगाते हैं ना। जहाँ शॉर्ट सर्किट होगा एमसीबी नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर फ्यूज नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या, अगर एमसीबी रहेगा तो एमसीबी आंसर मार देना, ठीक है। फ्यूज नहीं रहेगा तब एमसीबी रहेगा, ठीक है। फ्यूज रहेगा तो फ्यूज, और एमसीबी रहेगा तो एमसीबी। अंग्रेजी में देख लेना, लिखा रहेगा मिनी सर्किट ब्रेकर। और फ्यूज किस किस का बना होता है? फ्यूज किसका बना रहता है? शीशा और टीन का फ्यूज का इसी का बनता है, ठीक है। ठीक लग गया? क्या कहते हैं? बोली थी मुझसे, हमको लगता है आपसे पूछ के बोल रही थी। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है धारा की दिशा डैश ली जाती है। बताओ, विद्युत धारा की दिशा, सर भी आ गया, समझ हो गया। विद्युत धारा की दिशा डैश ली जाती है, किधर ली जाती है बताओ? इलेक्ट्रॉन के बहाव के दिशा के विपरीत, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की बहाव के दिशा के विपरीत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा के विपरीत। एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस लंबाई तो इसकी फोकस लंबाई है कितना हो जाएगा? आप लोग सुने थे ना, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर 2f बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हैं? आर बराबर F, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F बराबर R बाई 2, तो 20 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर अंतर होगा। लेकिन क्या इसमें सेंटीमीटर का अंतर दिया है? नहीं, मीटर में दे दिया है, ठीक है। तो 10 बटे 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग देना होगा, तो 10 बटे 100 का दोगे तो कितना हो जाएगा? 1010। फिर यहाँ पे पॉइंट दिए तो 10 हुआ, एक बार में हो गया ना, 0.1 मीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो। कहता है कि एक प्रतिरोध 20 ओम के विद्युत लैंप और 4 ओम प्रतिरोध के चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। कुल प्रतिरोध 20 ओम के लैंप तथा 4 ओम प्रतिरोध के चालक का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। इसमें एक क्वेश्चन था 6 वोल्ट का बैटरी, जरूरत ही नहीं है उसका, है ना। प्रतिरोध बोला तो प्रतिरोध को ना जोड़ेंगे, तो देखिए जब भी बल्ब को जोड़ा जाता है तो इस तरह से चालक और बल्ब इसी में जोड़ा जाता है, इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है। ये मान लीजिए बल्ब घर जल रहा है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है, तो आरपी इक्वल टू R1 प्लस R2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो गया? 24 ओम आंसर हो गया, ठीक है। 26 नंबर सवाल, ठीक है। 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा की परिमाणिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, यानी विद्युत ऊर्जा को बेचा जाता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आप लोगों को बिजली क्या करता है? बेचता है, पैसा नहीं लेता बिजली का। तो बिजली का विद्युत इकाई क्या होता है? तो हम लोग लिखते थे ना आंसर एक, आपको कैसे बेचता है कि यूनिट में बेचता है, कैसे बेचता है यूनिट में। एक यूनिट बराबर कितना होता है किलो, 1 किलोवाट घंटा, तो यही होगा इसका आंसर 1 किलोवाट घंटा। समझ में आ गया, क्योंकि विद्युत यूनिट में बिकता है। विद्युत उष्मन युक्तियां, विद्युत उष्मन युक्तियां जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत आयरन, शुद्ध धातु की बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है ना। लाइन में लाइन नहीं क्वेश्चन को लिखना, थोड़ा तोड़ मरोड़ दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। यानी क्वेश्चन सीधी सी बात है कि जो भी विद्युत उष्मन युक्तियां हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक का ऐसा कंपोनेंट जो गर्म होने के बाद उष्मा देता है, हीट देता है, वो शुद्ध धातु के बजाय उसको किसमें बनाया जाता है, मिश्र धातु। क्यों? क्योंकि जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना उष्मा बढ़ेगा, मानेंगे बस तक कम। शुद्ध धातु का प्रतिरोध कम होता है, शुद्ध धातु का प्रतिरोध कम होता है, तो विद्युत आराम से गुजर जाएगा। प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत का क्षय होगा उष्मा के रूप में, नहीं होगा तो प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, गर्म होगा। समझ में आ गया, इसीलिए क्या किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। इसी बात पे बताओ, ऊपर का मिटा दें, उधर चला गया और फास्टर से नालायक बच्चे नहीं, हम खुद उखाड़ दिया, नालायक बच्चे हैं, उखाड़ के उसी से वैसे खेलता है। तो कहता है विद्युत युक्तियां, उसमें युक्तियां ब्रेड टोस्टर या फिर विद्युत आयरन शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु के बनाई जाती है, क्योंकि जिसमें जो ज्यादा मिश्र धातु होगा उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ज्यादा उष्मा निकलेगा। समझ में आ गया, यही नियम है। आप बताओ टंगस्टन, उसका प्रतिरोध कम होता है कि ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आयरन में कौन सा धातु लगा रहता है, आयरन, आयरन या विद्युत हीटर, नाइक्रोम का तार होता है, होता है ना। नाइक्रोम किससे किससे मिलकर बना है, लोहा, निकल और क्रोमियम, तो उससे तीनों से मिलकर क्या बना है? नाइक्रोम। देखो तीन को मिश्र धातु है, समझ में आ गया? क्वेश्चन का आंसर पूरा पोस्टमार्टम हो गया। 28 नंबर सवाल। लैंगिक के बाएं हाथ का नियम कल पूछी थी ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में तर्जनी डैश की दिशा की ओर इशारा करती है। डैश की दिशा की ओर इशारा करती है। हेलो जी 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 हाँ 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 अभी आपको तो उस दिन हम 1-1.5 घंटा समझाए थे कि आपको क्या दिक्कत है। बाद में कॉल कीजिएगा, हम क्लास में हैं। उस दिन आप कन्विंस नहीं हुए थे, आपको समझाए थे। तो जान के कह रहा है कि आप पैसा वापस ले लीजिए, फंसेगा इसी वजह से। ठीक है, आपका मर्जी, आपको अभी बात नहीं करेंगे, आप सब क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग का जो हम नियम बता रहे थे, फ्लेमिंग का दो हाथ से होता है। बाम हाथ का नियम होता है, दाहिने हाथ का, यानी लेफ्ट हैंड लॉ फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड लॉ एंड फ्लेमिंग, राइट हैंड लॉ। आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिएगा, दाहिने हाथ का जो नियम है ये जनरेटर में यूज होता है, जनित्र में यूज होता है। ठीक है, और बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में यूज होता है। दाहिने हाथ का नियम किसमें यूज होता है? जनरेटर में। जनरेटर किस हाथ से स्टार्ट करते हैं? आप लोग दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं, है ना? ऐसे तो दाएं हाथ का नियम उसमें लगता है, और इसमें विद्युत मोटर में बाएं हाथ का नियम। और जब भी आप ऐसे करते हैं तो आपका अंगूठा होता है ये, मध्यमा होता है ये, और तर्जनी होता है ये, होता है ना? ऐसे ही है तो तर्जनी क्या क्या किस चीज में इंडिकेट करता है, बताओ? है ये करता है चुंबकीय क्षेत्र। ये किसको करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये किसको करता है? बल का। और ये विद्युत धारा होता है, होता है कि नहीं होता है? ये विद्युत धारा है। हाँ सर, हाँ सर आइए तो। हाँ अभी आई हुई है। ठीक है, तो बाएं हाथ का नियम किसके लिए यूज होता है? विद्युत मोटर के लिए। और दाहिने हाथ का जनित्र के लिए। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत? और तीनों में वही रहता है, ये बल ही रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र ही होगा, और ये धारा की दिशा होगा। समझ में आ गया ना? विद्युत धारा की दिशा। नंबर अगला सवाल क्या है? एक परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक परिपथ में विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा पता लगाने में इसका लगाने में इसका पता लगाने वाली युक्ति, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। विद्युत धारा का पता कौन लगाता है? एमीटर। और वोल्टेज का पता कौन लगाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर का पता कौन लगाता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, जब अल्प धारा पूछेगा, क्या पूछेगा? अल्प धारा, बहुत कम धारा रहेगा, तो उससे गैलेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब आप लोगों का दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा, एक बार बस विद्युत धारा के दिशा, विद्युत धारा के तरफ पता लगाने वाली युक्ति कौन है? यहाँ पे एमीटर का ऑप्शन था क्या? इसमें नहीं था। क्या ऑप्शन था? गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर आंसर मार दिए। लेकिन एक्चुअल काम होता है गैल्वेनोमीटर का अल्प धारा, नैनो माइक्रो में जो करंट होता है उसको पता लगाता है, और एक्चुअल में अगर विद्युत धारा पता लगाया जाता है तो किसमें लगाया जाता है? एमीटर में लगाया जाता है। समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं ना है? अल्प धारा के लिए गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा मापने का एमीटर। विद्युत धारा की एसआई मात्रा एम्पियर, उसी को बोलते हैं एम्पियर मीटर या एमीटर, ठीक है ना। इस नंबर ईएमआई क्या है बताओ? हाँ, बोलता है सर ईएमआई मतलब होता है, लोन में फोन लेते हैं, बोलता है ईएमआई भरना होगा ना, हर महीना किस्त, उसको ईएमआई बोलते हैं। तो फिजिक्स के भाषा में ईएमआई का मतलब ही होता है प्रोड्यूसिंग इंडक्ट करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, है ना। दे दीजिए, जाओ सभी ले लो। निकलेगा निकलता है कि नहीं निकलता है? व्हाट इज ईएमआई? तो प्रोड्यूसिंग इंडक्टेड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। बैठने में सुविधा है उधर नहीं है, चलो जहां बैठना है बैठो, तुम्हें जहां बैठने की मन है वहां बैठो। क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? प्रोड्यूसिंग इंडक्टेड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल, यही होता है ना ईएमआई, यही प्रक्रिया है, ठीक है। एक चुंबक और एक कुंडली के बीच सापेक्ष में जो गति होता है, ठीक है। इस तरह का नहीं होता था, एक कॉइल होता था तरह का, और इसके अंदर से आप चुंबक को पार करोगे इसमें करंट आ जाता था। आपको पता नहीं आता था? आता था, कोई दिक्कत है? चलो होता है कितना नंबर कमों पे 31 होगा यहाँ पे ना। ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलो तो ब्लीचिंग पाउडर जानते हो ना, तो ब्लीचिंग पाउडर जो शुष्क है, ब्लीचिंग पाउडर सूखा हुआ पाउडर नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर शुष्क डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा उत्पादित होते हैं, डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा उत्पादित होता है, किसके द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है बताओ तो किस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है? बुझा हुआ चूना के साथ। किसके साथ? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। CaO बोलो नहीं होगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, तो बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाए? तो बुझा हुआ चूना को क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब बसा और जल का ऑक्सीकरण होता है, जब बसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब बसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब बसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होगा? जब तेल खराब होता है यानी ऑक्सीकृत होगा। जब क्या पूछते हैं? बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaOH2 किसका होता है? दिमाग खराब है तो होता है। पानी डालोगे तब तो बुझेगा, चूने पे पानी डालोगे तब तो बुझेगा, है? बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH ऐसे, है? पानी डालोगे तब तो बुझेगा, है? कैसे बुझता है चूना? बाल्टी में भर के दे देना, प्लास्टिक के बाल्टी में चूना भर के पानी दे देना। चलो, जब बसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है, यानी जब नमी चला जाता है तेल में तो क्या होगा? गंध करेगा और स्वाद बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुर्गंध। इसके लिए क्या होगा? दुर्गंध है, गंधयुक्त, दुर्गंधयुक्त तथा स्वाद बदल जाता है। समझ में आया? 35 धात्विक ऑक्साइड डैश कहे जाते हैं। धात्विक ऑक्साइड डाइट डैश कहे जाते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय नहीं होता है, और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे बताए हैं, हम लिखा रहा हूँ, लमन जब पढ़ा रहे थे खोल के देख लेना। एल्केली, एल्काइली क्षार, एल्काइली क्षार है जो डैश में घुल जाता है। एल्काइली क्षार जो डैश में घुल जाता है। कौन सा क्षार है जो जल में घुलता है? एल्काइल क्षार। आंसर तो बता दिए, जल में घुलता है ना। एल्केली क्षार किसमें घुलता है? तो ये घुलता है जल में। एल्काइल क्षार वही होता है जो जल में घुल जाए। समझ में आया? एल्काइल क्षार क्या होता है? जो जल में घुल जाए। कोई दिक्कत? मिटा दो हैं? नंबर होगा 35। चलो लिखो। अवक्षेपण अभिक्रिया से, अवक्षेपण छूट गया मेरे क्वेश्चन नाम होगा ना। अवक्षेपण अभिक्रिया से डैश लवण उत्पादित होता है। डैश लवण उत्पादित होता है जो अवक्षेप है, यानी बैठ जाता है। अवक्षेपण नीचे बैठता है, ठीक है ना। जो अवक्षेपण बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से लवण उत्पादित होगा। कैसा लवण बनेगा? हैं? तो अघुलनशील बनेगा। अवक्षेपण माने यानी नीचे बैठ गया। अरे घुला नहीं तभी तो नीचे बैठा, घुलता तो नीचे बैठता क्या? तो आंसर हो जाएगा और अवघुलनशील। क्या हुआ? अगर अवक्षेपण अभिक्रिया में नमक नीचे बैठता है तो अघुलनशील लवण है। घुलनशील होता तो दिखता क्या? नीचे बैठता। चीनी को घोल देना पानी में, नीचे बैठेगा चीनी? नहीं बैठेगा। अघुलनशील होगा तब तो नीचे बैठेगा, तब ना अवक्षेप बनेगा। कॉमन सा सेंस लगाओ। कोई जो सुनने वाला है, बात नहीं सोचने वाला। कोई दिक्कत? 36 कहता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? जल में भारी मात्रा में ऊष्मा, उत्सर्जित करते हैं। भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो गैस का निर्माण होता है, बताओ गैस का निर्माण होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH वोल्ट को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ? बनाता है कि नहीं बनाता है? हमने संतुलित नहीं किया है, ठीक है ना, बाकी आप लोग कर लेना। और इसमें क्या निकलता है? प्लस उसमें निकलता है कि नहीं निकलता है? प्लस बताता है और उसमें निकलता है, ठीक है। और चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे फूंकोगे तो क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। ये भी बताए थे कि उष्मा क्षेपीय कि उष्मा शोषीय अभिक्रिया है। चूना के साथ पानी को मिलाना उष्मा शोषीय कि उष्मा क्षेपीय है? जिसे उष्मा निकलता है उसको उष्मा क्षेपीय बोलते हैं, जो उष्मा लेता है उसको उष्मा शोषीय बोलते हैं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। अब ये भी कोई सवाल नहीं करते, सर पढ़ा ही नहीं है ना। 37 डैश का प्रयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करते हैं। डैश का प्रयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करता है। सोडियम यौगिकों का निर्माण करता है। अंतर क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में, बोरैक्स जैसा सोडियम कार्बोनेट का होता है ना, सोडियम यौगिक का निर्माण करता है। कौन? सोडियम कार्बोनेट। बोलो कैसे सूत्र की होगा? अभी तो पता है बुझा हुआ चूना का CaOH2, अभी ना बुझा हुआ चूना का CaO, यही तो लिखे चूना का CaO एक ही चीज है। बुझा हुआ चूना अलग हो गया, बिना बुझा हुआ और चूना दोनों एक ही चीज है। नंबर क्या सवाल है? श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। श्वसन एक डैश अभिक्रिया है। श्वसन यानी सांस लेना, सांस छोड़ जाओ तो क्या निकलता है? गर्म होता है, हैं? उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी है। उष्मा क्षेपी श्वसन एक मंद दहन प्रक्रिया है। जितना बार श्वसन पढ़ाए हम आपको, कहे हैं कि नहीं कहे कि श्वसन एक मंद दहन प्रक्रिया है, यानी अंदर अंदर आग जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? तो कहते हैं श्वसन एक डैश अभिक्रिया है, क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी, उसको उष्मा उत्सर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। उष्मा क्षेपी उष्मा क्षेपी भी हो सकता है या फिर उष्मा उत्सर्जक। मैदान में बैठे हो क्या? बारिश आ रहा है तो डर लग रहा है। लाइट जला रहा है तो घर जला दिए लोग। हम बोले जंगल में बैठा है कि डर लग रहा है? खत्म करना है, खत्म कर पाएंगे सर कहने से पहले। एक सेकंड भी सांस नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं खत्म होगा तो बड़ा मुश्किल है। बता दे, आप फोटो खींच ले रहे हैं क्या? स्पीड हो गया, बढ़ गया आपका। दो चार दिन लग रहा था ना पहले पहले। ठीक है, अगले सवाल पर पढ़ते हैं हम लोग। पता है कितना नंबर होगा? 39। सफेद सिल्वर क्लोराइड, सफेद सिल्वर क्लोराइड, सफेद सिल्वर क्लोराइड डैश की उपस्थिति में सिलेटिव हो जाता है। डैश की उपस्थिति में स्लेटी, की उपस्थिति में स्लेटी हो जाती है, यानी ग्रे कलर का हो जाता है। किस कलर में? जो तुम्हारा सफेद सिल्वर क्लोराइड है वो डैश की उपस्थिति में क्या हो जाता है? स्लेटी हो जाता है। हेलो जी, कहाँ पे? नहीं है, कोई एग्जाम देगा क्लास में, बाद में बात कीजिएगा, अभी समय नहीं है। ठीक है, तो सफेद सिल्वर क्लोराइड जो है गैस की उपस्थिति में स्लेटी, यानी सफेद कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो किसके उपस्थिति में ग्रे कलर का हो जाएगा? तो धूप में जब रहेगा तो ग्रे हो जाएगा, तब हो जाता है ये, तो धूप में होता है। ठीक है ना, सनलाइट के साथ अभिक्रिया करके ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, सफेद सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के साथ अभिक्रिया करके वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, यानी स्लेटी कलर में चेंज होता है। ठीक है, चालीस में पहुंचे हैं, 90 क्वेश्चन करना है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? सोडियम यानी NaCl प्लस H2O, यानी NaCl क्या हो गया? लवण और प्लस जल, तो लवण जल हो गया। ठीक है ना, आप लोग शरबत बना के पीजिए। ठीक है, खत्म हो गया। अरे किसी के पास है करने वाला? किसके पास है? कमजोर मैं हो गया, मेरा बाप हो गया, कमजोर मैं हो गया। दिमाग किसका है? बहुत देर में पूछ लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस चीज में कंफ्यूजन है, बताओ, बता देते हैं, जल्दी बताओ बताओ। आंसू का pH मान कितना होता है? 6.5। कितना होता है? हाँ? 7.2 से 7.4 के बीच होता है। हमेशा गूगल सही देगा ऐसा गारंटी थोड़ी है। हाँ? गूगल में कोई ना कोई लिख तो रहा है हमारे जैसा ही। 41 नंबर को तो क्या है क्वेश्चन? पता है जब लिटमस बिलियन, जब लिटमस बिलियन ना तो अम्लीय है, और ना ही क्षारीय, है तो इसका रंग है, तो किस रंग का होता है लिटमस? लिटमस होता है बैंगनी रंग का। लिटमस क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है, ठीक है ना। लिटमस ये अम्ल में कैसा हो जाएगा? अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है। समझ में आ गया? पोटैटो, चलो ब्लीचिंग पाउडर को दर्शाया जाता है ब्लीचिंग। चला इसको ब्लीचिंग पाउडर दिखाया था क्या? ब्लीचिंग पाउडर, इसको बेरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। बेरंजक चूर्ण को दर्शाया जाता है। इससे दर्शाता है CaOCl2। रिपीट नहीं हो सकता है, हाँ? रिपीट नहीं हो सकता है। अभी अभी पूछते हैं क्षार में लिटमस पत्र किस रंग का होता है? और इस बार लिटमस नहीं पूछेगा, मिथाइल ऑरेंज पूछेगा। मिथाइल है नोट्स को पड़ेगा, ठीक है? तैयार नहीं है, ठीक है? मिथाइल ऑरेंज का ऑप्शन है, ठीक है? नोट्स में है, खोल के देख लेना। हम लोग क्षार और लवण जहाँ पढ़ाए हैं। ये आपको बता रहा है कि डरिए मत, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। भले ये नहीं रहेगा तो इससे टाइप चेंज भी तो नहीं होगा, है ना? कैसे एकदम डायरेक्ट 10th लेवल से 12th लेवल में नहीं ना घुसा देगा आप लोगों को। ठीक है, क्या होता है मिथाइल ऑरेंज में? निम्न में से कौन ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है? ठंडे पानी के साथ बहुत तेज। अभी क्या करता है? कौन करता है? पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम। इस पर सवाल आएगा भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है? क्वेश्चन लिख लो, भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है? केवल नहीं जाते कहता है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय बनेगा, भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय बनेगा। कौन बनता है देख लेना, ठीक है। सर्च करना भाप के साथ कौन कौन अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। अच्छा बेकिंग सोडा और एक मृदु खाद्य अम्ल, बेकिंग सोडा और एक खाद्य मृदु अम्ल, जैसे तात्कालिक अम्ल का मिश्रण है, जैसे तात्कालिक अम्ल का मिश्रण है। तात्कालिक अम्ल का मिश्रण क्या है बताओ, क्या होगा? बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, सोडा, सोडा क्षार। बेकिंग पाउडर बनाएगा, क्या बनाएगा? बेकिंग पाउडर, अंतर लिखिए यहीं पे, ठीक है ना। यस हाँ प्रणाम सर, नहीं अभी तो नहीं पढ़ रहे सर इधर। हाँ डैश प्रतिअम्लों का एक घटक है, डैश प्रतिअम्लों का एक घटक है। एंटासिड पढ़ाए थे आप लोगों को, क्या क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाया था एंटासिड में? हाँ एंटासिड प्रति अम्ल पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं बताओ। फॉलो नोट्स, अम्ल क्षार और लवण मिलेगा। तो मेरे रूम में पढ़ेंगे, रूम में पढ़ेंगे, मेरा ले लाइए नहीं पढ़ाया, नहीं लाया ना। वहां पढ़िए एंटासिड पढ़ाए हैं, प्रति अम्ल जो आप लोग एसिडिटी होता है आप लोग इनो पीते हैं, ठीक हो जाता है। इनो में क्या होता है ये बता रहे थे ना, वहां बताए आप लोगों को, भले याद नहीं रहा हमको, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारे पेट से डैश अम्ल स्रावित होता है, HCl hydrophilic ion. What is ion? नेटल पत्ती, नेटल पत्तियों में डैश अम्ल होता है। नेटल पत्ती में कौन सा अम्ल होता है? अल्कुसी में चींटी में फॉर्मिक होता है ना। मधुमक्खी के डोंक में फॉर्मिक होता है और पत्ता में फॉर्मिक नहीं होता, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक, नेटल प्लांट इसको बोलते हैं। सर्च मारना, मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है ना। नेटल प्लांट होता है हिंदी में, ठीक है ना। नंबर सर, टमाटर में डैश अम्ल पाया जाता है ऑक्सिलिक। सोडियम क्लोराइड के जहरीले विलयन को बुझाना न पावे। बुझाना रहता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में विघटित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अपघटित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया क्या? इतना बड़ा लिखाया हमने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार पद्धति या विधि जो भी है क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोल रही है? बोलो महंगे की वजह से क्लोर यहाँ पे कहता है जस्ता और शीशा। डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, हम आप लोगों को हाइड्रोजन लिखाए थे। ठीक है, उससे अधिक ज्यादा अभिक्रियाशील ऊपर था, उससे कम अभिक्रियाशील नीचे था। वो पूरा लिस्ट याद है? बताओ क्या कहना, शुरुआत से बताओ क्या लिखी है? पढ़ाए हैं ऐसा नहीं, हम नहीं पढ़ाए हैं। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से दिखाएगा तांबा, पारा। ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। अब ऑप्शन देखो उसमें, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कहता तांबा, जस्ता और सीसा गैस से अभिक्रियाशील है। लोहा और टीन की पोजीशन में आ रहा है देखो तो। लोहा, टीन और एल्युमिनियम किस श्रेणी में आ रहा है? टीन यहाँ आ गया, लोहा यहाँ आ गया, लोहा, टीन और एल्युमिनियम यहाँ आ गया। तो तीनों तो इससे ऊपर आ रहा है ना? तो ये तो इससे ऊपर है, यानी जस्ता और शीशा से ऊपर है। ठीक है, तो इससे वो अलग अभिक्रियाशील है। तांबा एक ऑप्शन में जाएगा, तांबा नीचे आता है ऑप्शन में। तांबा अंदर हुआ बोलना कि नहीं पढ़ाया है। अब वहां पे तांबा और जस्ता नहीं लिए, वो एल्युमिनियम और कुछ और लिख देगा। ठीक है, अब फिर पूछेगा सवाल, अब तो पता ही नहीं। तो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोगों का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक है क्या लिखा हुआ था? तांबा। तांबा से ज्यादा अभिक्रियाशील है जस्ता और शीशा। जो बच्चा मेरा पहले का क्लास लिया हुआ है, पेड कोर्स कर रहा है, उन लोगों को एकदम 100% पता है। जो सच में पढ़ा है उसको सच में पता है, लिखा है। और उसका फोटो खींच लीजिएगा अभिक्रियाशीलता का, ठीक है ना, दे दीजिएगा। जो नहीं लिखा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक अभी हम आपको बोल के नहीं पिला सकते हैं, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। सर्वाधिक लचीला धातु, सर्वाधिक लचीला धातु क्या है? सबसे ज्यादा रात पर दिया होता है, न्यापो होता है सोना। ये कितना कैरेट का सोना का बात हो रहा है? 24 कैरेट सोना का बात हो रहा है, ठीक है ना। ये लेकिन 24 कैरेट से कोई भी गहना नहीं बनता है, 22 कैरेट से बनना शुरू होता है, ठीक है। 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट जो भी करना, ऐसा बारिश रहा तो कंप्लीट नहीं जाएगा। डैश एक अधातु है परंतु चमकता है। डैश एक अधातु है परंतु चमकता है। तथा उन पर तो चमकता है बोलते हैं, जब काटते हैं तो एकदम चकचक करता है और उसके बाद वो काला हो जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे सोडियम नहीं दिया, गैलियम, इंडियम ग्रेफाइट और आयोडीन है। आयोडीन होगा आंसर, ठीक है। अब सोडियम धातु नहीं है रे, धातु है सोडियम। आयोडीन एक धातु है परंतु वो क्या करता है? चमकता है। कितना 52 खाने के पकोड़े वो कुरकुरे बनाता है। खाने के पकोड़े को कुरकुरे कौन बनाता है? अरे खाने वाला छोटा, क्या बोलते उसको? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। तो नाइट्रिक अम्ल बाकी सारे अम्ल के साथ क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलेगा जब अम्ल धातु के साथ रिएक्ट बोलो। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ये सवाल घुमा के दिया है आप लोगों को, ठीक है। लिखा है अधातु या तो ठोस या गैस है सिवाय गैस के जो कि एक द्रव है। तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ना वो ठोस है ना वो गैस है। समझ में आया? इतना लिखने का हमारा हिम्मत नहीं रहा, समझ रहे हैं ना, सीधे सीधे लिख रहे हैं। खड़े नहीं रह पा रहे हैं हम, नहीं होगा ना यहाँ पर, फिर छूट जाएगा। हमारा शरीर डाउन है लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जब भी मेरा तबियत खराब भी रहता है फिर भी हम खड़े रहते हैं यहाँ। सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट का पुनः करण, सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण गैस देता है। क्या देता है जी? होने वाला सोडा देता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण क्या देता है? भवन सोडा बनाता है, इससे बनता है, ठीक है ना। और हार्ड वाटर में कौन साफ करता है? हार्ड वाटर में डिटर्जेंट और क्या बोलते हैं उसको, मृदु जल में साबुन अच्छा सफाई देता है ना, और कठोर जल में सर्फ, ठीक है ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। जिप्सम का CaSO4 into 2H4 प्लस करो फिर इसमें हाफ H2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस करो फिर इससे 1/2 हो जाएगा। फर्स्ट का चीज तो अभी हुआ ही नहीं है, बड़ा बड़ा लिखने वाला चीज तो बाकी है। उपाय नहीं है, जितना दूर हो सकता है देखते हैं। ध्यान नहीं है तो वहाँ पे क्लास रोकनी है। तो कैसा लग रहा है? लग रहा है आप लोग एग्जाम नहीं रहता तो भी क्लास नहीं लेते, एग्जाम है तो। कल का तो गारंटी नहीं ले पा रहे हैं हम, जिंदा रहे हैं क्या करें। अभी तक फिलहाल जितना देर तक खड़े रह पाएंगे उतना देर तक लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बोले थे? कितना नंबर था? 49। प्लास्टर ऑफ तारों का धातु का तारों के रूप में खींचा जाना क्या कहता है? तन्यता। और प्लेट के रूप में धातु का प्लेट के रूप में चौड़ीकरण तो क्या बोलते हैं? है ना, उसको ठोकोगे तो टूटेगा नहीं, फैलेगा, ठीक है ना। पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। स्त्री यौन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन। आंख का झिल्लीनुमा संरचना। आंख का झिल्लीनुमा संरचना क्या है? उसको क्या बोलते हैं? कार्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। झिल्लीनुमा संरचना क्या है? कॉर्निया। आंख जो है आपका काला रंग का भाग है आपका, है ना, तो ये झिल्लीनुमा संरचना जो है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया। काला काला भाग देखो दिखता है ना आंख में, कॉर्निया। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है जाके? रेटिना में। रेटिना में, ठीक है ना। आंख में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है ना। ब्रेड की फफूंदी का दूसरा नाम? ब्रेड की फफूंदी का दूसरा नाम क्या है बताओ? ईस्ट सुने हैं? खमीर। ईस्ट या खमीर सुने हैं? आटा को सड़ाने के लिए खमीर का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो फूले, ठीक है। लेकिन ब्रेड में जो फफूंदी लगता है, फफूंदी लगता है ना, वो आपका पेड़ों के जड़ में भी होता है, राइजोपस। राइजोबियम नामक जीवाणु का नाम सुने हैं ना? तो ये किस संघ में आता है? प्रोटोजुआ है, कवक है, क्या है? कवक, कवक। तो ब्रेड के फफूंदी का दूसरा नाम क्या है? राइजोपस। ब्रेड को फुलाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है ना, याद रखना, इसीलिए बोल रहे थे, सुन लो। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में जान कैसे होता है? मुकुलन। और किसमें मुकुलन होता है? ईस्ट में। मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है, ठीक है। और विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, ठीक है ना, अमीबा में विखंडन होता है। 65 सजीवों के परिरक्षित ट्रेसेस। सजीवों के परिरक्षित ट्रेसेस कहलाता है। परिरक्षित ट्रेसेस यानी जो परिरक्षित है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म, फॉसिल। हम मर के दब जाएंगे ना चट्टानों में, तो हम मेरा पूरा छवि बन जाएगा चट्टान में, ठीक है ना। तो जीवाश्म का सजीवों में परिरक्षित ट्रेसेस क्या कहलाता है? जीवाश्म या फॉसिल। FOSSILS लिख सकते हो, FOSSILS, फॉसिल्स, ठीक है। बारिश हो गया। पूरा मिटा दें। Oppositive, oppositive, carbon dioxide, oppositive कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। जितना भी सोपोसिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड का किसलिए यूज करता है, तो सोपोसिटिव करना भोजन खुद बनाता है, क्लोरोफिल रहता है उसमें, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है 67 रंध्रों का बंद होना तथा खुलना, रंध्रों का बंद होना तथा खुलना किन कोशिका का कार्य है? किन कोशिकाओं का कार्य है? आंसर हो जाएगा गार्ड सेल, रक्षक कोशिका ना, रक्षक कोशिका। 68 अग्नाशयी रस जो पाइसीकृत बसा को तोड़ता है, कौन तोड़ता है, अग्नाशयी का वो कौन सा एंजाइम है ना जो पाइसीकृत बसा को, फैट को तोड़ देता है, कौन एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, क्या है, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या है, एंजाइम। हर एक एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, पता है आपको। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन तो क्या कहते हैं, अनौक्सिक श्वसन, बिना ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन। ठीक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, क्या बोलता है, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ठीक है 70 रक्तचाप मापने वाला उपकरण, रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है, स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर कितना होता है, 120/80 स्टोल। ठीक है लिखो बेटा दे, खत्म ही नहीं हो रहा उतना फिर से ना। ये पेज लिखे आप लोग, 4-5 पेज, सेकेंड लॉ है आपका छोटा कॉपी है। नंबर तक का निकलता है। पौधों में असर पौधे के अवशिष्ट उत्पाद भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है पौधे के अवशिष्ट उत्पाद है? सेल्यूलर रेफ्यूज सेलुलर वैक्यूल में आपका अपशिष्ट उत्पाद भंडारित रहता है और अपना स्टाफ को बसा को स्टाफ को कहां पे संचित करके रखता है? तना में की जड़ में। तना में रखता है, कि जड़ में रखता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है किस किस से मिलकर? केंद्रीय तंत्रिका किससे मिलकर? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नहीं पढ़ाए थे सर, ऑब्जेक्टिव पढ़ाए कि सब्जेक्टिव पढ़ाए? सब्जेक्टिव पढ़ाए थे उसमें भूल। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग जो सोचता है, कौन भाग सोचता है? इंसान का कौन सा माइंड सोचता है? अगर मध्य पास इसलिए देख सकते हैं मैं समझ रहा। अग्र मस्तिष्क सोचने का काम कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है कहां से? पीयूष ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन का नाम है? एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। पढ़ाई थे कि नहीं? अगर ज्यादा निकलेगा तो विशालकाय बन जाएगा, भीमकाय शरीर बन जाएगा, कम निकलेगा तो नाटा रह जाएगा। बोले थे ना, सब दिमाग से परे जा रहा है ना, बीच में भागी चीज याद आएगा उससे बीच में भागी। मादा जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं या अंड कहाँ बनता है? अरे जनन कोशिका जो अंडा होता है ना स्त्रियों में, वही अंडा जो बनता है तो कहाँ पर बनता है? अंडाशय में। कहाँ पर बनता है? अंडाको से अंडाशय, जिसको ओवरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओवरीज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अंडाकोश, अंडाकोश बोलते हैं। अंडवाहिनी को काट देगा तो स्त्री बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, बांध देगा या काट देगा, ठीक है ना, तो ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में भैंस नली को बांध देता है, इसलिए भैंस को करते हैं। इस जीव को काटने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाती है। क्वेश्चन क्या है? किस जीव को काटने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है? जहां पे काटोगे वो एक नया जीव बन जाएगा। प्लैनेरिया, प्लैनेरिया, प्लैनेरिया जो भी बोलो, ठीक है ना, प्लैनेरिया एक जीव होता है, ठीक है। 77 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। होता है इसमें रोटी हाथ में, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। वसा का लाइपेज और प्रोटीन का ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज, ठीक है ना। क्या लगता है आज खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आज खत्म हो जाएगा? 77, 78, अभी पता नहीं। प्रोटीन का पाचन, कौन सा एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन। 79 पत्ते से पूरे पेड़ तक, पत्ते से पूरे पेड़ तक भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन करता है। कौन करता है? पत्ते से पूरे पेड़ तक भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, फ्लोएम और पानी का जाइलम। फाइलम नहीं लिख देना, फ्लोएम ही लिखना, ठीक है ना? ठीक है। 80 जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया शरीर से हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट, शरीर से हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट को बाहर करता है। किस विधि द्वारा? मल उत्सर्जन या मल त्याग, ठीक है ना? मल उत्सर्जन या फिर मल त्याग। मल उत्सर्जन में क्या आता है? लैट्रिन और यूरिन दोनों आता है, ठीक है ना? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। 81 उपास्थि के छल्ले किस भाग में पाया जाता है? उपास्थि के छल्ले किस भाग में पाया जाता है? ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गला, ठीक है ना? दो भाग मुड़ता है, ये उपास्थि है, ठीक है ना? और अस्थि रहेगा तो मुड़ेगा, दोस्तों इसको मुड़ के दिखाओ, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है ना? पट से टूटेगा। 82 आमाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा आमाशयी रस, जिसको डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ठीक है? आमाशयी गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको बोलते हैं? आमाशय में पाचन किस ग्रंथि द्वारा होता है? आमाशय में पाचन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आमाशयी ग्रंथि। आमाशय से स्रावित होता है आमाशयी रस, ठीक है ना? इसमें क्या लगता है? कुछ छूट क्या लगता है? 79 नंबर छूटा है कि नहीं छूटा है? पैप्सिन कहां से निकलता है? पैप्सिन अग्नाशय से निकलता है, हैं? मारेंगे एक, हाँ। हम पूछते हैं पेप्सिन एंजाइम कहां से प्राप्त होता है? आमाशय से। आमाशय रस में रहता है पेप्सिन, इसमें ही, ठीक है ना। नाम से है क्या चल रहा है सर? 7 गो क्वेश्चन बचा है, 7 गो क्वेश्चन बचा है, आराम कीजिए आप, क्या कीजिए सर भाई। 7 गो क्वेश्चन बचने के बाद तो अच्छी कंपनी देखा जाएगा। लीजिए ना देखते हैं ठीक है। आमाशय से साबित होता है, आमाशय रस, इसमें क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है ना। लिखो पेप्सिन एंजाइम के क्रिया में सहायक है। तो कौन सहायक है? HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लीकृत व्यवस्था प्रदान करता है वो, ठीक है ना, खाने को अम्लीय बना देता है, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, नहीं तोड़ता है, प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पॉलीपेप्टाइड में। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलता है, एक ही क्वेश्चन को बार-बार 14 बार क्या दे दिया क्वेश्चन। आमाशय से आने वाला भोजन, आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है, HCl निकलता है भैया वहां से, तो अम्लीय नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन को 14 बार देखा है। किसका प्रयोग पौधे को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग पौधे को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है? तो जब ऊर्जा की बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स 86 निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दिखाई देता है, देती है, कुछ दिखाई देती है, किंतु दूर का नहीं, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। नहीं पढ़ा है ऐसा सवाल। 87 दूरदृष्टि, दूरदृष्टि का दूसरा नाम दूर दृष्टि का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, ठीक है। 88 आंखों के पुतली का आकार, आंखों के पुतली का आकार नियंत्रित, आंखों के पुतली का आकार नियंत्रित करता है। कौन करता है? आंसर हो जाएगा आइरिस। 89 दांतों का अपघटन, दांतों का अपघटन, अपघटन किस भाग को, धातु का अपघटन किस भाग को धीरे धीरे कोमल बनाता है? धीरे धीरे कोमल बनाता है। दांतों का अपघटन किस भाग को धीरे धीरे कोमल बनाता है? एनामल सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, है तो एनामल, इनेमल, इनेमल जो भी कहें, इनेमल और क्या हो जाएगा डेंटाइन, डेंटाइन। ठीक है, आज का हमारा जंग का आखिरी सवाल 90 नंबर। ठीक है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में बनता है? आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें लिखा क्या है? अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा करेंसी क्या है? तो एटीपी है ना, ऊर्जा करेंसी एटीपी है। आप बताओ, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जाइए। हाँ मैक्सवेल का नियम क्या नियम है पहले ही बताओ, फिर हम समझा देंगे। हाँ मैक्सवेल का नियम ये है, स्क्रू को घुमाओगे तो किधर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, बस हो गया। मैक्सवेल का नियम है, है ना, ये वाला यही वाला है। और कुछ ये क्या हो जाएगा? बॉल किधर बनेगा? नीचे की ओर। ठीक है ना, और ये हो जाएगा जरा ये ना होता है। अब बताओ, किसी को पेमेंट वेमेंट करना है? किसी का ड्यूज अब कितना लेट लगाओ, किसका ड्यूज बाकी है? खाली हो गया। नहीं पढ़ रहा है, हो गया क्लास। दो सवाल सीख लीजिए, चले जाइए, इम्पोर्टेंट। मिटा दे इसको, है छुट्टी लेना है बताओ। एग्जाम है इसीलिए बोल रहे हैं दोनों एगो टाइप फंस गया। छोटा नहीं बड़ा बात नहीं है।